तो अब बज रहे हैं रात के 10:30 और मेरे हस्बैंड ने अभी बताया है कि कल सुबह जल्दी काम पर जाना है। तो मैंने सोचा ब्रेकफास्ट में मैं सुबह क्या बनाऊं, तो मेरे को आइडिया आया कि क्यों ना मैं करेला बनाऊं, क्योंकि करेले को हम 3 से 4 दिन तक कंज्यूम कर सकते हैं एक बार बना के, और इसके साथ चाहें तो हम रोटी भी बना सकते हैं, या फिर अगर पराठा खाने का मन हो तो सिंपल पराठा भी बना सकते हैं, या थोड़ा सा अजवाइन और नमक लगा के भी पराठा बना सकते हैं, वो भी इसके साथ बहुत टेस्टी लगता है। तो मैंने यहाँ पर ये करेले लिए हैं, ये 250 ग्राम करेले हैं। इनको पहले मैंने बहुत अच्छे से वॉश कर लिया था, क्योंकि इसमें मिट्टी लगी हुई होती है अंदर की तरफ, और फिर मैंने इसको थोड़ी देर के लिए रख दिया था कि पानी निकल जाए। और फिर इस तरीके से मैंने चक्कू से करेले की स्किन उतार ली थी, क्योंकि हम भरवा करेले बना रहे हैं तो इसका यूज हम इसकी स्टफिंग करने में इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह से मैंने करेले की सारी स्किन उतार दी है, और मेरे करेले का जो साइज है वो थोड़ा बड़ा है। अगर आप भरवा करेले बना रहे हैं तो आप छोटे छोटे करेले छाट के खरीद लें, मेरे को वो नहीं मिले थे तो इसलिए मैंने ये वाले यूज कर रही हूँ। तो इस तरह से मैंने इसको कट कर लिया था, और जो भी इसके अंदर ये करेले का पल्प होता है इसको मैंने बाहर निकाल लिया था, क्योंकि करेले की स्किन के साथ साथ जो इसका ये पल्प है ये हम इसमें मिक्स करेंगे और स्टफिंग में फिर इसको ही इस्तेमाल करेंगे। तो बहुत आसान होता है इसका ये पल्प निकालना, बहुत आसानी से ये बाहर भी आ जाता है। अब थोड़ी सी करेले की कड़वाहट तो हटानी ही है, क्योंकि करेला बहुत ज्यादा कड़वा होता है, तो इसके लिए मैंने इसको ना एक प्लेट में ट्रांसफर कर लिया था, और उसमें आधा टेबल स्पून नमक ऐड कर दिया था और बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर दिया था। इससे क्या होता है, ये पानी छोड़ देगा, और जो पानी ये छोड़ेगा उसमें सारी इसकी कड़वाहट निकल जाएगी, मतलब सारी तो नहीं निकलेगी पर आधी तो निकल ही जाएगी। और इस तरह से मैंने करेले को बाहर से भी ये नमक लगाया और अंदर की तरफ भी नमक लगाया कि इसमें बिल्कुल अच्छे से ये नमक इसमें समा जाए। तो इस तरह से हम पूरे करेलों पर नमक लगा लेंगे और इसको 10 मिनट के लिए रख देंगे, और 10 मिनट बाद देखिए करेले बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं और इसमें देखिए पानी भी निकल गया है बाहर। इसका मतलब इसकी कड़वाहट थोड़ी सी तो कम हो गई है। तो हम इसको अब वॉश करेंगे, तो मैंने इसको पानी में डाल दिया है, और ये भी जो इसका चूरा है करेले का वो भी मैंने पानी में डाल दिया है, और इनको बिल्कुल अच्छे से वॉश कर लेंगे कि इसकी कड़वाहट हट जाए और जो हमने नमक लगाया था वो भी हट जाए। और इस तरह से छलनी में मैंने ये करेले रख दिए हैं कि पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, वरना करेले थोड़े पीले-पीले से बनेंगे और वो बिल्कुल भी खाने में अच्छे नहीं लगेंगे। तो मैंने इस तरह से ये पूरा पानी निचोड़ लिया है और साफ पानी डाल के भी इसको अच्छे से धो लिया है। और अब चलिए हम इसकी स्टफिंग तैयार करते हैं, जिसके लिए मैंने एक नॉर्मल साइज की प्याज ली है, उसका छिलका हटा लेंगे, और मैंने 5 से 6 हरी मिर्च भी ली है, और उसको मैं इस तरह से बीच में से स्लिट कर दूंगी। करेले की जो मैं स्टफिंग बना रही हूँ वो मैं प्याज की बना रही हूँ, तो अगर आपके पास इस तरह का चॉपर है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं, वरना कद्दूकस इस तरीके का तो सभी के यहाँ होता है, तो आप प्याज को इसमें कद्दूकस कर लें। दोनों ही तरीकों से जो इसकी स्टफिंग है वो बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनती है, बिल्कुल भी फर्क नहीं आता है। तो पर मैंने आपके सामने इसलिए कद्दूकस यूज किया था जिससे कि आपको थोड़ा इजी रहे इसकी स्टफिंग बनाने में। और जो बची हुई प्याज थी उसको भी मैंने बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लिया था, वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और देखिए अब ये जो करेले का छिलका है और ये पल्प है इसको हम बिल्कुल अच्छे से निचोड़ लेंगे कि इसमें पानी ना बचे, और फिर हम इसमें ऐड करेंगे आधा टेबल स्पून नमक। नमक थोड़ा कम ऐड करेंगे, क्योंकि नमक हमने पहले भी इसमें ऐड किया हुआ था वो थोड़ा सा रह ही जाता है। और साथ ही में मैं ऐड कर रही हूँ आधा टेबल स्पून धनिया पाउडर, आधा टी स्पून हल्दी, आधा टी स्पून गरम मसाला और आधा ही टी स्पून अमचूर का पाउडर, क्योंकि क्या है ना मेरे पास कच्चे वाला आम नहीं था, वरना वो भी अगर चॉप करके या कद्दूकस करके ऐड करें तो इसमें बहुत ज्यादा अच्छा टेस्ट आता है। अब हम ये जो स्टफिंग हमने रेडी की है ये हम इस तरीके से करेले में भर देंगे। इसको भरना बेहद आसान है और आसानी से ये इसमें भरे जाते हैं, और जब हम करेले बनाएंगे ना ये बाहर भी नहीं निकलते हैं। तो सारी स्टफिंग को स्टफ कर लेने के बाद ये थोड़ी सी स्टफिंग बच गई है जिसको हम फेंकेंगे नहीं, इसमें ही यूज करेंगे। तो मैंने गैस पर ये कढ़ाई चढ़ा ली है जिसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून सरसों का तेल, और उसमें मैंने ऐड किया है मेथी के दाने, और साथ ही में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून सौंफ।
अब इन दोनों चीजों को हम ऐसे भून लेंगे जैसे कोई भी सब्जी बनाने के लिए हम जीरे को चटकने देते हैं ना, हम ऐसे ही इसको भून लेंगे, पर इसको जलाना नहीं है। फिर हम इसमें ऐड करेंगे स्टफ्ड करेले। करेले को हम लाइन वाइज लगाते रहेंगे इसमें कि इन पे थोड़ा थोड़ा सा तेल लगता रहे। तेल का हम ज्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे वरना ये बहुत ही ज्यादा ऑयली हो जाते हैं और फिर वो खाने में ना ज्यादा तेल तेल सा फील होता है। अगर आप ऑयल कॉन्शियस हैं तो आप इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड किया था। तो इस तरह से हम इसको ढक के रख देंगे 10 मिनट के लिए। और ये जो मेरी स्टफिंग बच गई थी ना, ये मैं इसमें अभी ऐड नहीं करूंगी। अब देखिए 10 मिनट बाद करेले कुछ इस तरह से हो गए हैं, मतलब हाफ कुक हो गए हैं। तो इसमें अब मैं ये स्टफिंग भी ऐड कर दूंगी और जो हमने वो हरी मिर्च भी स्लिट करके रखी थी ना, उसको भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। तो अब मैं इसको कवर करके रख दूंगी 10 मिनट के लिए और 10 मिनट बाद करेले बिल्कुल अच्छे से पक गए हैं और जो हमने बाद में स्टफिंग ऐड की थी वो भी अच्छे से पक गई है। अगर हम स्टफिंग थोड़ा पहले ऐड ही कर देंगे ना, जब हमने करेले ऐड किए थे तो स्टफिंग ना जल जाती है, तो उसको अवॉइड करने के लिए स्टफिंग मैंने दूसरी बारी में ऐड की थी। तो अब देखिए 10 मिनट के लिए और रखे थे सेकेंड टाइम हमने करेले, और इस तरह से करेले बन के तैयार हुए हैं और ये इतने टेस्टी बने थे ना कि मैं आपको क्या ही बताऊं। और सुबह सुबह अगर आपके भी हस्बैंड बाहर जाते हैं या आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है ब्रेकफास्ट बनाने का, तो आप करेले बना के रख लीजिए, वो 3 से 4 दिन के लिए चलते हैं आराम से। ये आप दाल चावल के साथ भी खा सकते हैं, या दोपहर में अगर आपको खाली रोटी ही खानी है तो भी आप करेले खा सकते हैं। ये बहुत ही ज्यादा हेल्दी भी हैं और बहुत टेस्टी भी लगते हैं। तो इस तरह से मैंने इसको डब्बे में पैक कर लिया था और फ्रिज में रख दिया था। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।